गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों की बातें कर रहे थे, ठीक है। और उस कार्य और शक्तियों में पहला हमने पढ़ा था कि मुख्यमंत्री ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में काम करता है, यानी मंत्रिपरिषद का वो निर्माता होता है। मंत्रिपरिषद का वो क्या होता है? निर्माता के रूप में काम करता है, मंत्रिपरिषद के संचालक के रूप में काम करता है, सहारक के रूप में, यानी ब्रह्मा की तरह मंत्रिपरिषद। जैसे ब्रह्मा सृष्टि का निर्माता है, वैसे मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता। जैसे विष्णु सृष्टि का संचालक है, वैसे ही मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का संचालक, और जैसे महेश यानी शिव सृष्टि के नाशक है, वैसे ही यहां पे मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नाश भी कर सकता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिका निभाता है। ये पिछली क्लास में हमने देखा, मंत्रिपरिषद के निर्माता के रूप में हमने पढ़ा था कि मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह देता है, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, फेरबदल कर सकता है, इसके अलावा मंत्रिपरिषद का विस्तार या कमी उसमें कर सकता है। फिर उसके बाद हमने संचालक के रूप में पढ़ा कि 63 के अनुसार वो मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रधान। इस नाते बैठकों की अध्यक्षता करता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है, ये भी हमने पढ़ा। इसके अलावा दोस्तों, सहारक के रूप में वो किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए बोल सकता है, मंत्री को बर्खास्त करने हेतु राज्यपाल को सलाह दे सकता है, स्वयं त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकता है। मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। इन बातों को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। इसके अलावा दोस्तों, फिर हमने मुख्यमंत्री के संवैधानिक दायित्वों की बात की, अनुच्छेद 167, उसमें उसके तीन संवैधानिक दायित्व की राज्य के कार्यकलाप, प्रशासन, विधान संबंधी सभी प्रस्तावनाओं को मंत्रिपरिषद के विनिश्चय को राज्यपाल को सूचित करेगा। साथ इसी में पढ़ा कि राज्यपाल जो सूचना मांगे वह उसे देगा। और तीसरा जो था वो हमने इसमें पढ़ा था कि अगर किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय ले लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो ऐसे में ध्यान रखना, उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाना भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। यहीं तक हमने बात की। अब देखो, उसकी दूसरी शक्ति हम पढ़ेंगे राज्यपाल के संबंध में। वो पहली तो हमने किसके संबंध में पढ़ी थी? मुख्यमंत्री के संबंध, सॉरी, मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियों की बातें की। अब हम बात करें दोस्तों, राज्यपाल के संबंध में वो कौन सी भूमिका निभाता है। देखिए, एक तो वो राज्यपाल, एक उसकी भूमिका तो क्या है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है, यानी राज्यपाल के निर्देश है वो मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है, और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय वगैरह लिए जाते हैं वो राज्यपाल तक, यानी एक सेतु का काम करता है। किसका काम करता है? सेतु का काम करता है, सेतु की वो भूमिका निभा रहा है। मंत्रिपरिषद के सारे निर्णय राज्यपाल को अवगत कराता है, राज्यपाल के सारे निर्देश आदेश है मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है, ठीक है। तो एक तो कड़ी का काम करता है, इसके अलावा विभिन्न नियुक्तियों में राज्यपाल को सलाह देता है। अब आप सभी को पता है दोस्तों, राज्यपाल है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति, लोकायुक्त की नियुक्ति, सूचना आयुक्त की नियुक्ति, अनेक आयोगों के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करता है। इन सब नियुक्तियों में राज्यपाल को कौन सलाह देगा? मुख्यमंत्री सलाह देता है। तो ये दो जो शक्ति है वो राज्यपाल के संबंध में है, क्लियर है। अब आगे बात करें विधानमंडल के संदर्भ में, इसकी शक्ति की बात करें दोस्तों, विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की शक्ति कि विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद में उसकी क्या भूमिका है, उसकी हम बात करें तो देखो, नंबर एक, मुख्यमंत्री निचले सदन का नेता होता है, निचले सदन यानी विधानसभा का, विधानसभा का वो नेता होता है। कैसे? आपने मुख्यमंत्री की नियुक्ति में पढ़ा कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही राज्यपाल क्या करता है? नियुक्त करता है। तो वो इसलिए हम कह सकते हैं कि निचले सदन का क्या होता है? वो नेता होता है। पहली चीज क्लियर। दूसरी बात करें, राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। दोस्तों ध्यान रखना, विधानमंडल का सत्र या अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यपाल। सत्र अवसान की घोषणा भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल कब सत्र बुलाएगा, इसकी सलाह कौन देगा?
मुख्यमंत्री देता है, यानी मुख्यमंत्री जब सलाह देगा तभी राज्यपाल सत्र बुलाएगा, तभी राज्यपाल सत्र अवसान करेगा। और दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, विधानमंडल के दो सत्र होते हैं, उनके बीच अधिकतम जो अंतर है वो कितना हो सकता है, 6 माह का, यानी दो सत्रों के बीच 6 माह का अंतर हो सकता है, 6 माह का अंतर अधिकतम हो सकता है। वर्ष में न्यूनतम 2 बुलाने जरूरी, वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र अनिवार्य अनिवार्य, क्योंकि 6 माह का अनिवार्य है ना, क्योंकि दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, इसलिए दो सत्रों के बीच 6 माह का अंतर मतलब दो सत्र तो कम से कम बुलाने पड़ेंगे। तो राज्यपाल ये जो सत्र बुलाता है वो किसके परामर्श पर बुलाता है, मुख्यमंत्री के परामर्श पर। नंबर 3, विधानसभा के विघटन की सिफारिश राज्यपाल से करता है। ठीक है दोस्तों, विधानसभा का 5 वर्ष कार्यकाल होता है, कितने वर्ष, 5 वर्ष। 5 वर्ष से पहले विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, राज्यपाल भंग कर सकता है, कौन भंग कर सकता है, राज्यपाल भंग कर सकता है। ध्यान रखना, राज्यपाल को भंग करने की सलाह कौन देगा, मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री सलाह देगा तभी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4, वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं उनको विधानसभा सभा पटल पर उनकी घोषणा करता है। जैसे आपने कई बार टीवी वगैरह में देखा होगा, मुख्यमंत्री बजट में मुख्य मुख्य घोषणाएं कर रहा है, ठीक है, तो वो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उनको घोषणा करता है, उनकी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है सभा में आके, महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा करता है। ये काम भी किसका है, मुख्यमंत्री का, चूंकि वो सदन का नेता होता है, जनता का नेता होता है, इस वजह से वो महत्वपूर्ण घोषणा करता है सदन में आके, है ना। तो ये 4 याद रखना आप कि विधानमंडल के रूप में राज्यपाल कौन कौन सी भूमिका निभाता है, तो विधानसभा का नेता होता है, विधानमंडल का सत्र आहूत करने में राज्यपाल को सलाह देता है, विधानसभा को भंग करने में राज्यपाल को सलाह देता है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, आपका आंसर होना चाहिए राज्यपाल। राज्यपाल किसकी सलाह से करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से। और सरकार की नीतियों की घोषणा आधिकारिक रूप से कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें इसके अन्य कार्य। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अन्य कार्य है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य आयोजना बोर्ड है इसका क्या होता है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। देखो केंद्र में जैसे पहले योजना आयोग था, आजकल कौन हो गया, नीति आयोग, पहले योजना आयोग था और आजकल कौन है, नीति आयोग। ऐसे ही प्रत्येक राज्य में राज्य के विकास योजनाएं बनाने के लिए, विकास योजनाओं के संबंध में सुझाव देने के लिए राज्य आयोजना बोर्ड होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। दूसरी बात करें, क्षेत्रीय परिषदों का क्रमवार उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों का क्रमवार उपाध्यक्ष। और ध्यान रखना, इन क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, गृह मंत्री होता है, संघीय गृह मंत्री, केंद्र का गृह मंत्री। केंद्र और राज्य में, अब मैं क्षेत्रीय परिषदों की बात करूं, यहां पे क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, केंद्र राज्य विवादों का समाधान करना, इनके लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की गई है। देश में टोटल 5 है, टोटल कितनी क्षेत्रीय परिषद है, 5, यानी 5-6 राज्यों को मिलाकर एक क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है। अब यहां पर मैंने क्या कहा कि मुख्यमंत्री क्रमवार इसका उपाध्यक्ष होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें कि जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, इनके लिए एक क्षेत्रीय परिषद बना दी गई, तो एक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष बन गया, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री 1 वर्ष के लिए रहेगा, फिर उसके बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गया, फिर उसके बाद यूपी का बन गया, फिर उसके बाद एमपी का बन गया, फिर से राजस्थान वाले का नंबर आ गया। इस प्रकार क्रमवार वो उपाध्यक्ष होता है। आपसे पूछ ले कि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों देश का गृह मंत्री उन सभी क्षेत्रीय परिषदों का क्या होता है, अध्यक्ष, यानी 500 क्षेत्रीय परिषद है
उनका अध्यक्ष देश का गृह मंत्री होता है। तो ये दो राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतरराज्य परिषद का क्या होता है, ये सदस्य होता है। यानी देश में नीति आयोग जो भी परामर्श देता है उसके आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद है योजनाओं का निर्माण करती है, योजनाओं का निर्माण करती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे उच्च मंत्री परिषद बोला जाता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं इसके सदस्य होते हैं, जबकि इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ऐसे ही अंतरराज्य परिषद है, इसका भी काम केंद्र राज्य संबंधों को सुधारना है, ठीक है। तो यह अंतरराज्य परिषद है, इसके भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे, जबकि इनका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। दोनों का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। अगर मैं बात करूं अध्यक्ष की तो इनका अध्यक्ष होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद अंतरराज्य परिषद है, इसका सदस्य कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें नीति आयोग की जो अधिशासी परिषद है उसको आप गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल भी बोल सकते हो, गवर्निंग काउंसिल है। इसका क्या होता है, ये सदस्य होता है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है, इसका भी क्या होता है, ये सदस्य होता है। जबकि इसके अध्यक्ष की बात करें, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है, पीएम होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं शॉर्ट तरीके से अगर आपको बताऊं, अंतरराज्य परिषद, इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग, इनका मुख्यमंत्री यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इनके सदस्य होते हैं, जबकि इन तीनों आयोगों की अध्यक्षता है वो कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री। तो ये चारों याद रखना, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्य परिषद, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है इसका ये क्या होता है, सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री, जबकि इन तीनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें संवैधानिक दायित्व, आप पढ़ ही चुके हो, काफी इंपोर्टेंट है अनुच्छेद। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री की स्थिति के निर्धारक तत्व है, यानी देखो मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री कितना ताकतवर होगा यह केवल मुख्यमंत्री बनने पर निर्भर नहीं करता है, या संविधान में उसे शक्तियां प्राप्त है उस पर निर्भर नहीं करता है। अनेक तत्व ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री की शक्तियों को प्रभावित करते हैं, अनेक ऐसे तत्व होते हैं जो मुख्यमंत्री की शक्तियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो मुख्यमंत्री की शक्तियों को प्रभावित करते हैं कि वो कमजोर होगा या ताकतवर होगा। तो देखो सबसे पहले विधानसभा में उसके दल की स्थिति, यानी अगर विधानसभा में मान लो कि उसके दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, वो निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से मुख्यमंत्री बना है, या किसी दूसरे दल के समर्थन से मुख्यमंत्री बना है, या वो गठबंधन सरकार का मुख्यमंत्री है, ऐसी परिस्थिति में वो खुलकर शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता, खुलकर शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अन्य दल प्रभावित करेंगे। और अगर विधानसभा में उसके दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है और उसका अच्छा खासा बहुमत है, तो वो निश्चिंतित हो जाता है कि 5 वर्ष मेरे को कोई हिलाने वाला नहीं है, तो वो दमदार तरीके से डिसीजन लेगा। दूसरा है दल में उसकी स्थिति, यानी उसके न केवल विधानसभा में उसके दल की स्थिति, बल्कि उसके दल में मुख्यमंत्री का कद कैसा है, कि वो जैसे भारत की प्रधानमंत्री की बात करें, मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बने, लेकिन आप सभी को पता है कांग्रेस पार्टी पर महत्वपूर्ण स्थिति सोनिया गांधी की थी, जबकि मनमोहन सिंह का कद सोनिया के बराबर नहीं था, तो मनमोहन सिंह एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री बनकर नहीं उभरे। दूसरी तरफ हम मोदी की बात करें, मोदी की बीजेपी में ताकतवर स्थिति है, पकड़ है, संगठन पूरा उसके हाथों में है, तो वो जमकर निर्णय ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी कि दल में उसका कद कैसा है डिपेंड करता है उसका, उसके ऊपर कि वो ताकतवर बनकर उभरेगा या कमजोर बनकर। उसकी लोकप्रियता, जनता में वो कितना लोकप्रिय है, जैसे उदाहरण के तौर पर मोदी है, हम प्रधानमंत्री के उदाहरण से अगर मैं समझाना चाहूंगा आपको, तो मोदी है ये प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होते हैं, ध्यान रखना, काफी काफी लोकप्रिय है, करिश्माई व्यक्तित्व है उसका, प्रत्येक जनता उसको लाइक करती है, ठीक है।
तो जनता जब तक लाइक कर रही है तब तक वो ताकतवर है, जिस दिन जनता उससे घृणा करने लग गई उस दिन उसका कद गिर जाएगा और वो ज्यादा ताकतवर बनकर नहीं रहेगा। तो जनता उस मुख्यमंत्री को कितना पसंद करती है, जनता में वो कितना लोकप्रिय है, उसका नेतृत्व कितना करिश्माई है कि वो जनता को कितना प्रभावित कर पाता है, डिपेंड इस पर भी करता है कि वो कितना ताकतवर बनकर उभरेगा। और दोस्तों केंद्रीय दल के साथ उसके संबंध ये भी प्रभावित करते हैं। देखो केंद्र में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, दोनों विपरीत सरकारें हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में केंद्र के साथ उसकी तनातनी बनी रहेगी। अनेक वो योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को लागू करते समय संकोच करेगा, ठीक है, कई बार वो फंड के लिए केंद्र की तरफ देखता रहेगा। और अगर मान लीजिए जिस राज्य में, जैसे मान लो केंद्र में भी कांग्रेस की होती है राज्य में भी कांग्रेस की, या केंद्र में भी बीजेपी की तो राज्य में भी बीजेपी की, तो ऐसी परिस्थिति में वो केंद्र से भी अच्छा खासा अनुदान मिलेगा और अपनी प्रत्येक योजनाओं को वो निश्चिंतित होकर लागू करेगा क्योंकि उसे पता है फंड तो मेरे को मिलना है। तो ये जो तत्व है ना, ये मुख्यमंत्री की स्थिति को निर्धारित करते हैं कि उसकी स्थिति कैसी रहेगी, उसकी स्थिति कैसी रहेगी। समझ गए दोस्तों? तो ये ध्यान रखना मुख्यमंत्री, अब एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूं शॉर्ट में, एक मिनट में, ठीक है। मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां, तो एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक और सहारक, ये पढ़ा। दूसरा फिर हमने विधानमंडल के बारे में उसकी शक्तियों की, राज्यपाल के संबंध में उसकी शक्तियों की बात की। फिर उसके बाद हमने विधानमंडल में वो क्या भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद हमने कुछ संविधानेतर शक्तियों की बात की, यानी संविधान के बाहर उसकी क्या शक्तियां है, इनको आप ऐसे बोल सकते हो संविधानेतर, संविधानेतर शक्तियों की हमने चर्चा की। और फिर उसके बाद उसके संवैधानिक दायित्व जो कि पिछली क्लास में हम कर ही चुके थे, और उसके निर्धारक तत्व की, उसकी स्थिति को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों ये तो थी मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां। अब बात करते हैं हम राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की, अब बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की, ठीक है। तो मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड काफी प्रश्न आते रहते हैं कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन है, पहला उप मुख्यमंत्री कौन बनाया गया, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा, किस मुख्यमंत्री के बारे में क्या खास है, हम इन चीजों की बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951 तक, 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हीरालाल शास्त्री। तो आपसे यहां पे पहुंचे तो देखो इनके बारे में क्या खास है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है, प्रथम मुख्यमंत्री, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना निर्वाचित नहीं है बल्कि क्या थे, ये मनोनीत थे, मनोनीत थे, निर्वाचित नहीं थे। पहली बात ध्यान रखना, आपसे पूछे राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन, हीरालाल शास्त्री, कौन, हीरालाल शास्त्री। आपसे पूछे राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन, तो हीरालाल शास्त्री नहीं बल्कि टीकाराम पालीवाल, ये कैसे थे, मनोनीत। इसके अलावा वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक, दोस्तों काफी फेमस संस्था है महिलाओं के लिए, वनस्थली टोंक जिले में है विद्यापीठ, महिलाओं के लिए काफी फेमस विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना थी वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा ही की गई। तो ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, वन स्थली विद्यापीठ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ये दो बातें इनके बारे में खास याद रखना। नेक्स्ट मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों सी एस वेंकटाचारी ये कब से कब तक रहे दोस्तों, 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक, 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 जनवरी 1951 तक ये मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। इनके बारे में अगर मैं खास बात करूं तो राज्य के दूसरे, लेकिन कैसे थे, मनोनीत, राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे लेकिन कैसे थे, ये मनोनीत थे। इसके अलावा नंबर दो, अभी तक राजस्थान में निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं आया। नेक्स्ट बात करें प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री, यानी ये मैसूर के थे दोस्तों, यानी इनका राजस्थान से कोई संबंध नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये आईसीएस अधिकारी थे, प्रथम आईसीएस अधिकारी थे
जिनकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा राजस्थान का प्रशासन संभालने के लिए कुछ दिनों तक, यानी राजस्थान में चुनाव नहीं हुए थे तो राजस्थान का प्रशासन कौन संभाले? हीरालाल शास्त्री थे, त्याग पत्र दे दिया उन्होंने, तो राजस्थान का प्रशासन कौन संभाले? तो केंद्र सरकार ने आईसीएस, यानी आज जैसे आईएएस होता है ना, वैसे पहले आईसीएस बोलते थे, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित की गई थी, उनका अधिकारी था। इसको राजस्थान का शासन संभालने के लिए कुछ दिन केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया। तो ये मूल तक आके थे मैसूर के, राजस्थान का से इनका कोई संबंध नहीं था, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछे, देखो इनके संबंध में क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। एक तो कि आपसे प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन कौन से मनोनीत है, तो हीरालाल शास्त्री नाम ले दोगे आप, इसके अलावा ये सी एस वेंकटाचार्य आप नाम ले लोगे, टीकाराम पालीवाल आ गया, इसके अलावा जय नारायण व्यास आ गया, ये चार मनोनीत है। दूसरी बात करें तो ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री है जिसकी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की गई, तो सी एस वेंकटाचार्य। नेक्स्ट आपसे पूछे दोस्तों, कौन सा मुख्यमंत्री का संबंध आईसीएस अधिकारी से है, यानी आईसीएस अधिकारी, तो सी एस वेंकटाचार्य। प्रथम व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री जो जिसका संबंध राजस्थान से नहीं था, तो वो कौन थे? सी एस वेंकटाचार्य, समझ गए। तो ये तीन चार टाइप के यहां पर प्रश्न पूछ सकता है, पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो इनके बारे में ये याद रखना। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास कब से कब तक? अप्रैल 1951 से लेके मार्च 1952, 26 अप्रैल 1951 से लेके 3 मार्च 1952 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। अब देखो, ये तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे, तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अब बात करते हैं यहां पे, नेक्स्ट है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल 1952, 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक, 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री। लोकतांत्रिक क्यों? क्योंकि ये जनता द्वारा चुनकर आए गए, यानी विधानसभा में ये बहुमत दल के नेता थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, इसलिए इनको कहा जाता है कि प्रथम लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। अब देखो ये क्यों बने पहले, और बाद में इनको हटा भी दिया गया था, क्यों बने, या इनके बारे में ये कह सकते हैं कि पहले मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री और बाद में उपमंत्री बनाए गए, उपमंत्री बनाए गए, ठीक है, बाद में क्या बनाए गए? उपमंत्री बनाए गए। क्यों बनाए गए? देखो, मुख्यमंत्री से सीधा उपमंत्री गिर गया स्तर, कैबिनेट भी नहीं रहे, कैबिनेट मंत्री भी नहीं रहे, सीधा उपमंत्री बन गए। क्यों बन गए? देखे दोस्तों, यहां पे पहला आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव हुआ, प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, किसके नेतृत्व में? जय नारायण व्यास के नेतृत्व में, जय नारायण व्यास के नेतृत्व में लड़ा। जय नारायण व्यास से चुनाव हार गए, ठीक है, चुनाव हार गए जय नारायण व्यास, इसलिए मजबूरी वश टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। टीकाराम पालीवाल को क्या बनाना पड़ा? मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। फिर क्या हुआ दोस्तों? देखिए, टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, फिर जय नारायण व्यास दोबारा उपचुनाव में जीत कर आए। किसमें जीत कर आए? उपचुनाव में जीत कर आए, और टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, इनको तो क्या बना दिया? उपमंत्री बना दिया, और जय नारायण व्यास क्या बन गए? पांचवें मुख्यमंत्री बन गए, जिनका कार्यकाल 1952 से लेके 1954 तक, 1952 से लेके 1954 तक। अब देखे यहां पे इनके बारे में खास, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री बने ये। राजस्थान के न केवल मनोनीत थे दोस्तों, मनोनीत तो थे ही पहले, और साथ में क्या हुआ?
निर्वाचित भी, बाद में टीकाराम पालीवाल को हटाकर ये निर्वाचित मुख्यमंत्री भी बने। तो देखो दोस्तों यहां तक, अब देखो एक सारांश निकाले हम, तो यहां पे हमने सबसे पहली बात की हीरालाल शास्त्री की, ठीक है, ये कैसे थे मनोनीत। इसके अलावा वेंकटाचार्य, ये भी कैसे थे मनोनीत। फिर उसके बाद हमने बात की जय नारायण व्यास मनोनीत, तो यहां से पूछ ले कि राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री मनोनीत नहीं था। तो यहाँ पे देखो तीन मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मनोनीत थे, कौन कौन से, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास और सी एस वेंकटाचार्य, ये तीन मनोनीत थे। फिर आपसे पूछे कि पहले निर्वाचित कौन थे, तो दोस्तों टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित थे। आपसे पूछ ले कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको मुख्यमंत्री से हटाकर बाद में उपमंत्री बनाया गया, टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित थे। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहले लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपसे जय नारायण व्यास के बारे में पूछे, आपसे जय नारायण व्यास के बारे में यह फेमस प्रश्न है और काफी बार पूछा जाता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री कौन है जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। तो दोस्तों पहले मनोनीत तो थे, फिर राजस्थान में पहला आम चुनाव हुआ और उस आम चुनाव में क्या हुआ, जय नारायण व्यास हार गए, इसलिए टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने। फिर ये उपचुनाव में जीत कर आए, उपचुनाव में जीत कर आए, मुख्यमंत्री ये बने और टीकाराम पालीवाल को उपमंत्री बनाया गया, क्लियर है। अब अगला मुख्यमंत्री है दोस्तों आधुनिक राजस्थान के निर्माता, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों इनका पहला जो कार्यकाल था नवंबर 1954 से अप्रैल 1957, नवंबर 1954 से अप्रैल 1957, ये इनका पहला कार्यकाल रहा, ठीक है। इस कार्यकाल में बात करें तो देखो इनकी खास बात करें हम तो चार कार्यकाल लगातार, इनके कितने कार्यकाल रहे, चार कार्यकाल तक ये पद पर बने रहे। नंबर बात करें सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल यानी लगभग ये 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार चार बार बने। इसके अलावा इनके काल में, इनके काल में राज्य की प्रथम महिला मंत्री, राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी, कमला बेनीवाल। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य की पहली महिला मंत्री कौन थी, कमला बेनीवाल। किसके मंत्रिमंडल में, मोहनलाल सुखाड़िया जी के मंत्रिमंडल में, किसके मंत्रिमंडल में, मोहनलाल सुखाड़िया जी के मंत्रिमंडल में कमला बेनीवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और ये प्रथम महिला मंत्री थी। दोस्तों ध्यान रखना मोहनलाल सुखाड़िया जी तीन राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं, यहाँ के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। दोबारा से फिर आते हम मोहनलाल सुखाड़िया जी में, दूसरा इनका कार्यकाल था 1957 से लेके 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। तीसरा जो कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया जी का था वो 1962 से लेके 1967 तक रहा और दोस्तों 13 मार्च 1967 से लेके 26 अप्रैल 1967 राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया। क्यों लगाया ये राष्ट्रपति शासन, 1967 में चुनाव हुए और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, ठीक है। तो यहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहनलाल सुखाड़िया जी थे वो कब से लेकर कब तक मुख्यमंत्री रहे, तो 1954 से लेकर 1967 तक मुख्यमंत्री रहे, ठीक है दोस्तों, 1954 से लेकर 67 तक मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद 1967 में राष्ट्रपति शासन पहली बार, फिर उसके बाद दोबारा से मुख्यमंत्री बने और 1967 से लेके 1971 तक, 1967 से लेके 1971 तक चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट मुख्यमंत्री की बात करें तो यहां पे मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में एक चीज और लिख देता हूं मैं, आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान के
निर्माता भी इनको बोला जाता है। आधुनिक राजस्थान के क्या बोला जाता है? निर्माता भी इनको बोला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में ये तीन चार चीजें काफी है। लगातार चार बार 17 वर्ष तक इनके काल में राजस्थान में पहली बार महिला को मंत्री बनाया गया। तो काफी बार प्रश्न पूछा जाता है पहली महिला मंत्री कौन? कमला बेनीवाल। किसके कार्यकाल में? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के पहले कार्यकाल में बनाया गया। और ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन राज्यों के ये क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। और इनका ये चार कार्यकाल आप सभी को पता है। इसके अलावा आपसे पूछ ले राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब? 1967। क्यों? किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। दोस्तों राष्ट्रपति शासन की अलग से हम चर्चा और करेंगे, बाकी मुख्यमंत्रियों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।